और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, आपको पता है सेल का सीजन वगैरह चालू था, मैंने बहुत सारी चीजें मंगाई है ये चेकआउट करने के लिए कि लाइक जो फ्लिपकार्ट का माल आता है या फिर अमेजोन का माल आएगा वो एकदम प्रॉपर रहेगा, जेन्युइन रहेगा, नहीं रहेगा कोई डैमेज नॉल वगैरह, जिसमें से एक प्रोडक्ट मेरे पास फाइनली डिलीवर हो चुका है और ये है फ्लिपकार्ट की तरफ से, और कहीं से अभी तक मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है। बाकी ओपन बॉक्स डिलीवरी वगैरह होती है, बट पता नहीं इसके लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं था, पेटी पैक ही पकड़ा दिया। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, मैं भी खुद आपके सामने पहली बार खोलूंगा कैसा है। और मैं आपको बता दूं, मेरे को ये डिवाइस मिला है 33,000 रुपीस का, और इस बॉक्स के अंदर आईफोन 12 है। 40,000 का था फ्लिपकार्ट की सेल पर, उसके बाद में कार्ड डिस्काउंट लगा के 1250 ऑलमोस्ट ऑफ हो गया, तो 38,800 समथिंग हो गया, क्योंकि और भी थोड़ा कन्वेंस फी वगैरह ले लिया। आप साइड में चेक कर सकते हो चीजें, मेरे पास जीएसटी नंबर है तो वो लगाने के बाद में मेरे पास 3 मतलब क्रेडिट वगैरह मिल गया, तो 33,000 मेरे लिए क्रेजी डील है। और पहले अगर सेल का एक्सपीरियंस बता दूं ना, कोई ऐसा ज्यादा अच्छा खास नहीं है, बहुत तकलीफ बहुत हुई थी। बाय करने के लिए मुझे वीआईपी पास लेना पड़ा ताकि रिस्क फैक्टर थोड़े से कम हो जाए, बट 12 बजे सेल होने के बाद भी मुझे 12 बजे फोन नहीं मिला, मुझे ऑलमोस्ट 2:30 बजे फोन मेरा ये ऑर्डर पे मतलब कंफर्म हुआ एक तरीके से। पेमेंट लगी, कैंसिल हुई, ऑफर लगे, कैंसिल हुए, ऑटोमेटिक कुछ भी चालू है, मतलब बहुत ज्यादा हेडेक था, सीरियसली बता रहा हूँ। 2:30 बजे जाके ऑर्डर लगा है, और मैंने जब बाय किया है तो अर्ली एक्सेस वाला दिन था ना, तब बाय किया है, मतलब ऐसा नहीं कि बाद में, तो पता नहीं लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, डोंट नो। चलो इसे निकालते हैं, भाई साहब होप्स अंदर फोन ही निकले। चलो बाकी यहाँ पर आईफोन 12 का, अच्छा ये सब कुछ तो है, चलो ओके। पूरा पेटी पैक है, और जस्ट यहाँ पर नॉर्मल नंबर हो गए, कोड वगैरह, इस पे कोई स्पेशल पैकेजिंग जैसा कुछ है नहीं। और यहाँ पर क्या लिखा है, सिक्योरिटी सील प्रोटेक्शन, यस अगर ये निकला रहेगा तो मेरे हिसाब से ब्रोकन होगा एनऑल वगैरह। यहाँ से ये निकाला, प्लास्टिक चढ़ी हुई इस पे, और जो चार्जर वाली जो बातचीत है ना भाई, वो तो भाई भूल जाओ, वो तो नहीं है। अबे इतना क्या हार्ड है बे, इनको बस ऐसा प्यार से घुमाना होता है। ओके चलो, और बाकी इस पर हम चेक कर ले, देखो आईफोन 12 रेड कलर, 64GB लिया है, और ये असेंबल इन इंडिया वाला यूनिट है। साहब पहली बार कोई प्रोडक्ट रेड कलर मैंने लिया है, फर्स्ट इंप्रेशन में ही बहुत सही। एक मिनट देखो, कुछ ना कुछ तो गोची है ये। देखो सीन क्या है, देखो यहाँ से अगर दिख रहा होगा कुछ, पता नहीं ग्लू है, ग्लू था एक्चुअली। चलो कुछ इशू नहीं है, मुझे लगा स्क्रैच वैच है, चलो मेरे को लगा स्क्रैच है। और अगर ये निकाल, बहुत आराम से निकाल के देखेंगे सब कुछ, एकदम इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी कि माल मसाला सब प्रॉपर है कि नहीं। और इसमें भी कुछ रेड कलर का है, अच्छा प्रोडक्ट रेड लिया है, तो वही अपना स्टिकर विकर जो होता है, और सिम इजेक्टर टूल वगैरह है, चार्जर तो नहीं है, बाकी लाइटनिंग टू टाइप सी वाली केबल है ऑफ कोर्स। फोन देख लेते हैं, और साइड में से अगर फ्रेम भी देख लूँ तो यहाँ से तो कुछ नहीं लग रहा, सब बराबर है, इस तरफ भी बराबर है, इस तरफ भी देख लूँ तो यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है। चलो बॉडी तो सेफ है, बाकी अभी हमेशा ही मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। और स्क्रीन पर भी कोई स्क्रैचेस जैसा तो नहीं है, प्रॉपर है। कलर तो मस्त लग रहा है यार, कलर तो बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट रेड बाय किया है एप्पल के डिवाइसेस में, एकदम डीप रेड नहीं है, मतलब थोड़ा सा लाइटर साइड में। चलो भाई सच जानने का टाइम आ जाएगा कि चालू होगा नहीं होगा, क्योंकि सेल के अंदर बहुत वो हवा फैला रखा था कि सेल के डिवाइस मतलब ख़राब हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं, ऐसा सब कुछ चालू था, ग्रीन डिस्प्ले इशू एंड ऑल वगैरह। लेट्स सी, दबा दिया बटन, लेट्स सी चालू होता है कि नहीं होता। चालू नहीं हुआ, चालू क्यों नहीं हो रहा है, रूट चालू नहीं हो रहा है, वापस दबा दे, कोई और बटन तो नहीं दबा रहा हूँ, नहीं चालू क्यों नहीं हो रहा भाई, क्या सीन, क्या बातचीत, चालू नहीं हो रहा है, ये बाजू के बटन स्ट्रॉन्ग एकदम हार्ड जरिए दबा, तो अबे डूड चार्जिंग का तो इशू नहीं है, मतलब चार्ज नहीं होगा मेरे पास, डेड डेड पड़ा होगा, तो डर लगता है ना कभी कभी कि भाई ये गया गया खत्म, पैसा खत्म। चलो चार्ज करता हूँ, लेट्स सी होता है कि नहीं, सामने ही लगा लेते हैं, नो लेट्स सी, अगर
चालू होगा तो अपने आप एक लोगो आ जाएगा, चार्जिंग का कुछ आ जाएगा। हाँ, डिस्प्ले आ गया। मतलब बेचारा खाना पीना नहीं खा के आया था, फ्लिपकार्ट वाला बेचारा खाना तो खिला के भेजो, कितने साल से बेचारे को अंदर रखा होगा। और मेरे पास ऑलरेडी एक आईफोन 12 है, अगर दिखाऊं, ये रहा आईफोन 12, ये सेकंड हैंड में मैंने खरीदा था, 30 में खरीदा था मैंने रिसेंटली, और देखो 33 में तो मुझे नया मिल चुका है ऑलमोस्ट। सो भाई यहाँ पर इतना है कि ये फोन अगर आज के टाइम पे देखते तो 5G है, एकदम सॉर्टेड है, पर अगर आप इसमें कॉन्टेंट देखना चाहते हो डिस्प्ले में, ओलेड डिस्प्ले वो भी प्रॉपर है, मल्टीमीडिया भी सॉर्टेड रहता है। बाकी बैटरी लाइफ ऐसा है कि दिन में एक बार और चार्ज करने भाग सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा आप यूजर कैसे हो। ऐसे नहीं कि मतलब एकदम हार्डकोर यूजर हो तो एक ही बार चार्ज करना, तब तो और चार्ज करना पड़ेगा। और एक और चीज है, गेमिंग जो बातचीत है वो आईफोन 12 में सॉर्टेड है, मस्त तरीके से हो जाती है, 60 हर्ट्ज वगैरह एकदम चिपक्के वाले FPS आते हैं उसमें भी सॉर्टेड है। मैं ना लाइव स्ट्रीम कर रहा था, उसमें कोई बोल रहा था कि आईफोन 11 पे कोई डील नहीं आई, भाई अगर आती भी ना तो उसकी तरफ नजरें नहीं मारनी थी, इतना ध्यान रखना, क्योंकि 4G फोन था और 720p का डिस्प्ले एकदम मतलब लाइक नॉर्मल सा, वो भी IPS, ये तो एटलीस्ट OLED तो है। तो यहां से मैं कहूंगा कि चालू हो चुका है, इतने बटन दबाते कि आराम से आईफोन 12 देख सकते हो। मेरा इतना है कि ये जो मुझे मिला है ना सेकेंड हैंड वाला भी 30,000 के अंदर, ये भी क्रेजी है, एक आईफोन 12 मिल रहा है एप्पल के अंदर घुसने के हिसाब से। हेलो भी हो चुका है अभी से, लाइक मैं अपडेट वगैरह कर लेता हूँ क्योंकि वही मेन इशू था, अपडेट के बाद में ग्लिच हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है। वो भी अगर ग्लिच होना तो देखो एकदम से नहीं होगा, होने के लिए 5 दिन बाद में भी हो सकता है। 8 तारीख है अभी, इस दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और मैं अभी भी चेक कर रहा हूं, तो अभी फिलहाल 41,000 रुपीज पर ये हो चुका है आईफोन 12। बाकी अगर आईफोन 13 का देखने जाओगे तो वो अभी हो चुका है ऑलमोस्ट कितना, अमेजोन पे मिल रहा है 49,000 रुपीज का। उतना अगर खींच सकते हो तो डेफिनेटली 12 एंड 13 में आपको डिफरेंस तो देखने मिलेगा, कैमरा मॉड्यूल बड़ा है, सेंसर शिफ्ट एंड ऑल वगैरह सब कुछ है। आपको ना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, एक चीज देखना है कि एक मैंने वीडियो बना रखी है आईफोन 12 वर्सेस आईफोन 13 को लेकर, दोनों का कंपैरिजन किया है और इवन 14 भी साथ इंक्लूड होगा, तो वो वीडियो चेक कर लो, वो समवेयर यहीं का दे दूंगा, देख लेना। अभी जैसे जैसे प्रोडक्ट डिलीवर होंगे वही आप लोगों के साथ इंप्रेशन शेयर करूंगा कि कैसा सब प्रोडक्ट आया कि नहीं आया, नॉल वगैरह जो भी सब कुछ रहेगा। तो भाई मैं अपडेट करके तो आ चुका हूं अभी एज ऑफ नाउ, और ये प्रोडक्ट रेड एकदम सॉर्टेड है, कोई इशू नहीं आया बेचारे में, एकदम बोलता है भाई मैं आपके साथ रहूंगा, डोंट वरी। सो ठीक है चलो।